खुदी के पूछा तल प्यारी को कोई सजिया पता हरा। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुलटिक मुकेश इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह का स्टेटस आप भी बना सकते हैं आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे आप भी बना सकेंगे। और फ्रेंड्स, आपको बताते हैं सबसे पहले वीडियो को प्ले करके कैसे हमने वीडियो को एडिट कर लिए हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आप भी बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। और फ्रेंड्स, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि फ्रेंड्स इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए हरदम इस चैनल पर डालते रहता हूँ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश भी किए हैं। और फ्रेंड्स, हमसे कुछ भी पूछना है तो हमारे इंस्टाग्राम पर आइए और वहाँ से कुछ भी मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप काइन मास्टर को ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने में आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों, सबसे पहले प्लस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ से 16:9 का रेशियो ले लीजिएगा, उसके बाद मीडिया पर आ जाइएगा और यहाँ से बैकग्राउंड में आ जाइएगा और यहाँ से एक ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड यहाँ से ले लीजिएगा, जो कि दोस्तों आपको जितना बड़ा स्टेटस बनाना है उतना बड़ा यहाँ से ड्यूरेशन को आप चूज कर लीजिएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, क्या करना है, लेयर पर जाना है, उसके बाद मीडिया पर जाना है और फ्रेंड्स एक ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट है दोस्तों, इसको ले लेना है, देख सकते हैं, और इसको यहाँ से फुल स्क्रीन में कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप दोस्तों बना लीजिएगा, पहले इस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ लेयर पर आइएगा, उसके बाद मीडिया पर आइएगा और फ्रेंड्स आपको यहाँ से एक PNG दोस्तों मोबाइल का फ्रेम का फोटो ले लेना है। जैसे कि फ्रेंड्स इसको ले लेता हूँ, देख सकते हैं यहाँ से, और इसको इस तरह से जूम कर लीजिएगा, देख सकते हैं इतना जूम हो गया। और यहाँ से ड्यूरेशन को फुल कर दीजिएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसको यहाँ से शुरू में कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, लेयर में जाना है, उसके बाद मीडिया में जाना है और फ्रेंड्स जो भी फोटो आपको लगाना चाहते हैं आप उस फोटो को आप चूज कर लीजिएगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ से पिन से में हमारा फोटो है दोस्तों, इसको ले लेता हूँ इस फोटो को और इस पर क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से जूम कर लेंगे, देख सकते हैं इतना जूम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे यहाँ क्रोपी में और फ्रेंड्स इसको यहाँ से इनेबल कर देंगे और यहाँ शेप पे आ जाएंगे और इस शेप को ले लेंगे और इस तरह से यहाँ से कट कर लेंगे, इस तरह से देख सकते हैं इतना हो गया। और इसको भी यहाँ से एडजस्टमेंट कर लेंगे, इतना कर लिए इसको भी और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से फीदर को इतना बढ़ा देंगे, देख सकते हैं इतना हो गया और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, फिर इसी पर क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से जूम कर लेंगे, देख सकते हैं इतना हो गया जूम और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसका यहाँ से ड्यूरेशन को फुल कर देंगे, देख सकते हैं और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे दोस्तों, टेम्पलेट है दोस्तों, PNG है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ थ्री डॉट पर आएंगे और यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक कर देंगे, इस तरह से हो गया और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसको यहाँ से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ इसको और नीचे कर लेंगे, देख सकते हैं इस तरह से, जैसे कि फ्रेंड्स अच्छा लग सके आपको इस तरह से कर लेना है और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है, देख सकते हैं हो गया। और आपको क्या करना है फ्रेंड्स, उसके बाद जाना है लेयर में, उसके बाद मीडिया में जाना है और फ्रेंड्स एक और यहाँ से फ़ोटो को ले लेंगे, जैसे कि फ्रेंड्स इस फोटो को हमने लेने वाले हैं, देख सकते हैं, और इसको इस पर क्लिक करेंगे और इसको इधर कर लेंगे, देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे क्रोपी में और इसको इनेबल कर देंगे और यहाँ शेप पर आएंगे और इस शेप को ले लेंगे, देख सकते हैं, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे फोटो वाला पर और इसको इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेंगे, देख सकते हैं क्रोपी में आने के बाद इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेंगे, देख सकते हैं, और इसको ऊपर भी कर सकते हैं, इस तरह से हो गया और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसको इसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे, देख सकते हैं इसमें एडजस्टमेंट हो गया और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए और फ्रेंड्स यहाँ से ड्यूरेशन को फुल कर देंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, फिर इसी पर क्लिक करेंगे और इसी का एक और यहाँ से डुप्लीकेट यहाँ से ले लेंगे फ़ोटो को और एक को इधर कर लेंगे, देख सकते हैं, और यहाँ आ जाएंगे दोस्तों इस वाला ऑप्शन में, यहाँ क्लिक करेंगे, देख सकते हैं इसी पर आपको क्लिक करना है इस तरह से और यहाँ फिर उसके बाद यहाँ क्लिक करना है इस वाला आइकन पर, देख सकते हैं इस तरह से क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं इस तरह का हो गया और इसको यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और इसको भी यहाँ से एडजस्टमेंट कर लेंगे, इसको इस तरह से देख सकते हैं
और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, सबसे पहले यहाँ ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट लगाए हैं इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ थ्री डॉट पर आएंगे और यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ सबसे नीचे आ जाएंगे ब्लेंडिंग में और यहाँ से स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ वीडियो बनकर तैयार हो गया मेरा, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको इसमें कोई सा भी सॉन्ग लगाना है तो आप क्या कीजिएगा, उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट है इस पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स इस सॉन्ग को पहले यहाँ से म्यूट कर दीजिएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ ऑडियो का ऑप्शन दिया हुआ इस पर क्लिक करना है और फ्रेंड्स आपके मोबाइल में जितना भी सॉन्ग रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों इसमें से कोई सा भी आप सॉन्ग ले सकते हैं, जो भी लगाना है आपको आप लगा सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं दोस्तों इस सॉन्ग को लगाना है तो फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ सॉन्ग बनने लगा, बनने के बाद दोस्तों प्लस पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ सॉन्ग ऐड हो गया देख सकते हैं और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स इसको स्पॉट करना है, स्पॉट करने के लिए दोस्तों यहाँ डायरेक्ट शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है इसी पर क्लिक करना है इस तरह से और फ्रेंड्स यहाँ से रिसोल्यूशन को फुल एचडी एचडी कर लीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ से वीडियो दोस्तों आप अपने अनुसार से कम बेस रख सकते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा और वहाँ से आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं।